जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो यह हमारा जो है पेडी कल्टीवेशन का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, तो आप लोगों को सारी बातें अच्छी प्रकार समझ में आएंगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायो फर्टिलाइजर तक बात किया था कि जो है धान में कौन सा बायो फर्टिलाइजर पड़ता है, तो इसका नाम है बीजीए या एजोला। ठीक है, बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एक बार ICER का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो है बीजीए जो है 20 से 25 KG नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से राइस के फील्ड में फिक्स करता है। उसके बाद है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे क्या कि धान के क्रॉप को जितना भी नाइट्रोजन मिल रहा है उसमें से वह कितना नाइट्रोजन को जो वह जो है अपटेक कर पा रहा है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं यूज एफिशिएंसी। तो वो है केवल 30 से 40%। बाकी सभी जो नाइट्रोजन होता है वो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा प्लांट के लिए अनअवेलेबल फॉर्म में हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि धान का जो खेत होता है, जो राइस का जो फील्ड होता है, उसमें 2 प्रकार के जोन बनते हैं। एक होता है रिड्यूस जोन, एक होता है ऑक्सीडाइज जोन। ठीक है, जहाँ पर लो लैंड होगा, मतलब जहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन होगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन का मतलब कि जहाँ पर जल का जमाव होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है रिड्यूस जोन बनता है। रिड्यूस जोन का मतलब क्या, वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट। ठीक है, जहाँ पर अपलैंड होगा, मतलब क्या, वहाँ पर जब जरूरत है तो उसी समय पानी पटा रहे हैं, तो वहाँ पर बनता है ऑक्सीडाइज जोन, मतलब वहाँ पर जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो रिड्यूस जोन में हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन को देने के लिए अमोनिकल फर्टिलाइज़र, जिसमें जो है अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि धान के खेत में नाइट्रोजन को देने के लिए किस फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, तो अमोनियम सल्फेट। वही अगर अपलैंड है, जहाँ पर हम लोग पानी पटाते हैं जब उसका आवश्यकता पड़ता है, तो उसमें वहाँ पर जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो है धान के क्रॉप के लिए नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है वो 30 से 40% है। उसके अलावा जो भी नाइट्रोजन, मतलब कि 60 से 70% बचता है, वो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। तो एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब क्या कि प्लांट जो भी हम लोग नाइट्रोजन प्लांट को दे रहे हैं वो इस रूप में बदल गया कि प्लांट उसको जो है ले नहीं पा रहा। वोलेटाइजेशन मतलब है क्या कि वह जो है उड़ गया। ठीक है, जब सनलाइट पड़ा तो वह जो है क्या कि जो सॉइल से उड़ गया। ठीक है, लीचिंग का मतलब होता है क्या, पानी के साथ मिलकर वह नीचे चला गया, उसको बोलते हैं लीचिंग। तो वही यहाँ लिखा हुआ आगे कि नाइट्रोजन आगे लिखा हुआ है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग जो है अमोनियम फॉर्म में, यानी कि अमोनियम सल्फेट, इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट, SULPHAT सल्फेट। ठीक है, उसके बाद आगे है कि राइस की स्टेम को मजबूती देने के लिए सिलिकन माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और इसे बेसिक सेलेक्ट देते हैं, और इसको बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी आता है कि धान के खेत के लिए बेनिफिशियल एलिमेंट कौन है, तो वो है राइस। देखिए, बेनिफिशियल एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसे पोषक तत्व जो सभी प्रकार के प्लांट को नहीं चाहिए, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के प्लांट को ही उसकी आवश्यकता होती है, और उसके अप्लाई करने से उसकी जो उपज में बहुत अधिक उत्पादन भी बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। तो और जो है सिलिकन को देने के लिए हम लोग जो बेसिक स्लैग का उपयोग करते हैं, भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब कि जल मांग, या जिसको जल की आवश्यकता बोलते हैं, कि धान की क्रॉप को के लिए मोर देन 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें एक रेंज में, तो 150 से 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर वही मिलीमीटर में बात करें तो हो जाएगा 1500 से 2000 मिलीमीटर तक। उसके बाद है हाईएस्ट वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप इज पेडी बट लोएस्ट WUE। WUE का मतलब होता है वाटर यूज एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होता है धान के क्रॉप को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि वह पानी को कम पीता है, मतलब क्या कि वह जो पानी जो है पानी का यूज कम करता है, लेकिन उसको पानी का बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बात करें अगर हम
कि तो इसमें जो 20 सेंटीमीटर पानी जो है इसके जो है नर्सरी स्टेज में ही लग जाता है, 25 सेंटीमीटर पानी जो है पर्लिंग, जब हम खेत में पर्लिंग करते, पीछे मैंने बताया है कि पर्लिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसमें लग जाता है। 100 से 150 सेंटीमीटर पानी जो है मेन फील्ड में क्रॉप के समय लगता है, ठीक है। उसके बाद है तो ये सब आप लोगों को जो याद नहीं करना उतना। उसके बाद है कि 1 इंच जो है पानी जो है स्टैंडिंग वाटर इनिशियल मंथ, जब खेत में जब क्रॉप लगा हुआ है उसमें 1 इंच पानी चाहिए। 2 इंच पानी की बात करें तो स्टैंडिंग वाटर लेटर मंथ, मतलब कि 1 महीना के बाद जब क्रॉप हमारा हो जाए तो उसमें 2 इंच तक पानी जमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 इंच जो पानी होता है वो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज, जब उसका जो रिप्रोडक्टिव का मतलब हुआ कि जब उसमें बाली आएगा और जब उसमें ग्रेन फिलिंग होगा तो उस समय जो है 5 सेंटीमीटर पानी चाहिए। आगे बात करते हैं, नो स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर राइपनिंग, जब धान की फसल पकने वाली होती है तो उस समय कोई भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आगे 1 kg राइस के उत्पादन के लिए 5000 लीटर की पानी की आवश्यकता हो, ठीक है, ये इसको आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1 kg धान के उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका IW/CPE रेशियो जो होता है वो होता है 1.20, ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन, तो क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है कि जिस समय पानी की सबसे, मतलब कि क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है कि जिस समय उस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, मतलब कि अगर उस समय उसको उस चीज़ वह चीज़ नहीं मिला तो उसका उपज बहुत अधिक कम हो जाएगा। तो इरीगेशन की बात करते हैं तो एक है बूटिंग और एक है टिलरिंग स्टेज, बूटिंग और टिलरिंग स्टेज पर जो है सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। टिलरिंग का मतलब होता है जैसे क्या कि अगर हम धान का एक प्लांट लगाए तो क्या होता है, जो यहाँ पर से बहुत सारा प्लांट निकलता है बहुत सारा, तो उस पूरे को बोलते हैं टिलर। आगे हैं अब जैसे कि एक क्वेश्चन है कि और कोई भी जो क्रॉप होता है उसमें उसमें जब पानी लगा हुआ होता है तो वह जो है प्लांट जो है मर जाता है, लेकिन धान के केस में क्या होता है कि वहाँ पर पानी चाहिए, तो धान के पास ऐसा क्या होता है कि उसमें पानी लगा होता है लेकिन वह मरता नहीं है, तो उसका कारण क्या है कि जो पेडी का जो लीफ होता है धान का जो पत्ता होता है उसमें एरेनकाइमेटस टिशू यानी कि एरेनकाइमेटिक ऊतक पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को लेकर रूट तक पहुंचा देते हैं जिससे प्लांट जो है सर्वाइव कर जाता है। आप लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी प्लांट होते हैं वो रूट से जो है ना सॉइल में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करके मतलब कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, लेकिन धान का चूँकि प्लांट है क्या पानी के अंदर डूबा रहता है तो वह जो रूट से सॉइल रूट से ऑक्सीजन को अपटेक नहीं कर पाता है, तो उस कारण से उसके पत्ती में एनकाइमेटिक टिश्यू होते हैं जिस कारण से वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको वो लेके प्लांट सर्वाइव करता है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि धान के खेत से जो है मीथेन गैस निकलता है, तो वो कैसे निकलता है उसके बारे में हम लोग बात कर, देखिए धान के खेत में क्या होता है एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर पानी जमा हुआ है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो उसी को बोलते हैं हिंदी में ओवाइवीय स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो जब वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है जब पानी जब जमता है तो वहाँ पर ओवाइवीय स्थिति उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है मिथिनोजेनिक बैक्टीरिया वहाँ पर डेवलप हो जाता है और वह ऑर्गेनिक मैटर जो भी कार्बनिक पदार्थ उसको जो है खाने लगता है, तो जब वो खाएगा तो वहाँ पर होता है क्या एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पर बनता है एसिड, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस मिथाइलाइजेशन और वहीं से निकलता है मीथेन गैस। तो इसमें केवल आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है तो CH4 गैस, ठीक है, यानी कि मीथेन, आप लोग इंग्लिश में या हिंदी में लिख लीजिए मीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है मीथेन गैस। आगे बात करते हैं वीड मैनेजमेंट, इसे भी क्वेश्चन आता है कि धान के खेत में कौन कौन सा खरपतवार का जो देखने को मिलता है, तो अगर हम खरपतवार की बात करें तो ई का मतलब होगा इकाइनोकुलोवा, इकाइनोकुलोवा क्रुसिगेली और इकाइनोकुलोवा कोलोना, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है BHU के एग्जाम में एक बार 2020 के पेपर में आया था कि धान का खेत का मुख्य खरपतवार कौन है तो वो है इकाइनोकुलोवा कोलोना, इसको बोलते हैं वाइल्ड राइस भी बोलते हैं और इकाइनोकुलोवा क्रुसिगेली को बर्नयार्ड ग्रास भी बोलते हैं। अगर बात करें इसके लिए
इसको किल करने के लिए किस हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, तो एक होता है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, उसमें ब्यूटाक्लोर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और पोस्ट प्री इमर्जेंस का मतलब हुआ कि खरपतवार को निकलने से पहले उसको खेत में हम लोग जो है उस दवाई को छिड़क देते हैं, उसको बोलते हैं प्री इमर्जेंस। पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का मतलब हुआ कि जब खरपतवार खेत में उग आया है तब उसको किल करने के लिए हम जो हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, तो उसमें आता है 2,4-D और प्रोपानिल, ठीक है। प्रोपानिल का जो है व्यापारिक नाम जिसको हम ट्रेड नेम बोलते हैं वो है स्टाम्प F-34, और ब्यूटा कलर का होता है मचेटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है, कि हम लोग उसको खेत से हार्वेस्ट कब करते हैं, तो पेनिकल टर्न इनटू गोल्डन येलो कलर, जब जो उसका बाली होता है पेनिकल होता है वह जो है गोल्डन येलो मतलब कि सुनहरा पीला कलर का हो जाए तब हम समझ जाते हैं कि इसका कटाई का समय आ गया। ग्रेन में जब 20% मॉइस्चर कंटेंट हो, जब अगर 20% नमी हो तो उसमें उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसको जो है क्रॉप की कटाई कर लेते हैं। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस, जब हम धान की कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्या कि हमें पेडी होता है, पेडी का मतलब क्या हुआ कि उसमें ग्रेन भी है, ठीक है, उसमें दाना भी है, दाना के ऊपर छिलका है, तो उसी छिलका को बोलते हैं ग्लूम या हल, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। धान के ऊपर जो कवरिंग है जो छिलका है उसको बोलते हैं ग्लूम या हल, और उस छिलका में क्या होता है, एक लेमा होता है और एक पिलिया होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लेमा और पिलिया से मिलकर छिलका बना होता है, हल बना होता है। देखिए अब है कि हल को यानी कि जो छिलका जो कवरिंग है उसको हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डीहलिंग, या उसी को बोलते हैं माइलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूजन होता है कि हलिंग का मतलब क्या होता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। वही लिखा हुआ है क्या कि मिलिंग या डीहलिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हल, हल यानी कि जो छिलका जो कवरिंग है उसका, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं हलिंग। आगे बात करते हैं हम कि आउटर लेयर ऑफ ग्रेन, ठीक है, जब हम ग्रेन में से छिलका को मतलब पेड़ी से जब हम छिलका को हटा दिए तब उसके पास हम लोग को मिलता है क्या, ग्रेन मतलब कि दाना मिलता है जिसको हम राइस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है एक जो है ब्राउन कलर का आउटर लेयर होता है, ठीक है। देखिए आउटर लेयर ऑफ ग्रेन, ब्राउन ग्लूम लेयर इंटैक्ट विथ राइस ग्रेन, मतलब जो धान का जो दाना है उसमें क्या होता है एक ब्राउन कलर का एक ग्लूम मतलब होता है क्या कि एक चिपका हुआ लेयर होता है उसमें, तो उसी को बोलते हैं अनपॉलिश्ड राइस, मतलब अभी वो उसमें जो कोई पॉलिश नहीं हुआ है उसमें ब्राउन कलर का जो है चिपका हुआ है, ठीक है, और इसी के कारण वह जो धान होता है वो जो है ब्राउन कलर का होता है। वही लिखा है कि कॉल्ड ब्राउन राइस ड्यू टू एल्यूरॉन लेयर के कारण जो क्या होता है कि ब्राउन राइस होता है, क्योंकि उसमें एक ब्राउन ग्लूम लेयर उसमें चिपका होता है। अब हम पॉलिशिंग में हम क्या करते हैं कि जो ब्राउन लेयर है उसको हम लोग हटा देते हैं, रिमूवल ऑफ ब्राउन एल्यूरॉन लेयर, उसको हटा देने से क्या होता है मिनरल विटामिन बी और इम्ब्रायो उसमें लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर हम धान से जो है जो उसका ब्राउन लेयर उसको अगर हम हटा देते हैं उससे विटामिन बी मिनरल ये सब उससे लॉस हो जाता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद क्रूड मशीन, ठीक है, क्रूड मशीन से हम क्या करते हैं उसमें हलिंग करते हैं। देखिए हल बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि जो पेडी होता है उसका जो कवरिंग होता है उसको हटाने के क्या है हलिंग बोलते हैं, और जिस मशीन से करते हैं उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम है क्रूड मशीन, ठीक है, या उसी को बोलते हैं राइस हलर। अब क्या होता है उससे हम लोग को जो वाइट राइस मिल जाता है साथ ही साथ जो ब्राउन कलर का जो कवरिंग था उसमें जो एक लेयर था वो बाहर निकल जाता है, तो उस ब्राउन कलर के जो लेयर होता है उससे एक तेल निकलता है जिसको बोलते हैं ब्राउन ऑयल, ठीक है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है कि ब्राउन ऑयल क्या होता है, जो राइस का जो ग्रेन होता है उसमें ब्राउन कलर का एक एल्यूरॉन का लेयर इंटैक्ट होता है, उसको जब हटा देते हैं तो उसी ब्राउन लेयर से एक तेल निकलता है जिसको क्या बोलते हैं ब्राउन ऑयल, और यह बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है जो कि हृदय रोग जो कि और इसका उपयोग मान लीजिए हार्ट पेशेंट के भोजन के पकवान के लिए करते हैं। अब यह हलिंग का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 100 kg, देखिए अगर हमारे पास 100 kg पेड़ी है मतलब धान मतलब उसमें कवर लगा हुआ, ठीक है, तो जब हम धान से छिलका को हटा देंगे तो हमको जो ग्रेन मिलेगा वो कितना केजी रह जाएगा, तो वो है वो केवल जो है 65 kg रह जाएगा, बाकी जो है 35 kg उसमें जो छिलका निकल जाता है, तो वही होता है हलिंग परसेंट, ठीक है। तो धान का हलिंग परसेंट होता है 65%, इसको आप लोग ध्यान रखना है। इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं कहीं किताब में मतलब क्या इसी के थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया रहता है, लेकिन 65-66% आप लोग को ध्यान रखना है कि धान का हलिंग परसेंट क्या होता है 65%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे है एक प्रोसेस होता है पारा बॉयलिंग, ठीक है, पर बॉयलिंग बोलते हैं या उसी बोलते हैं हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। देखिए इसमें क्या होता है, बिफोर मिलिंग प्रोसेस। मिलिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि उसका कवर जो जो उसमें लेमा और पीलिया का जो कवर है उसको कवर उतारने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पेडी को सोक इन वाटर फॉर 24 to 36 आवर, 24 से 36 घंटा के लिए उसको पानी में डुबा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉयल्ड इन स्टीम फॉर 15 to 30 मिनट। उसके बाद उसको भाप में जो है ना, भाप में उसको उबालते हैं कितना, 15 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद 20 से 30 मिनट के लिए उसको सुखा लेते हैं। उससे क्या होता है ना, विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है धान में वो कंजर्व हो जाता है। उसके बाद जब हम उसका जो है कवरिंग को हटा देते हैं, उससे विटामिन जो है धान में बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो हम लोग बात करेंगे इंसेक्ट एंड डिजीज ऑफ राइस, मतलब कि धान के खेत में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इस तीनों वीडियो को पढ़ने के बाद आपके पास जितने भी राइस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, आप लोगों से लगभग सब क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।